हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं संसेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो फुल वीडियो होगी जिसमें डिफिनेशन, उसके टाइप्स, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एनसीईआरटी से रिलेटेड उसमें जितने क्वेश्चन हैं सब के सब क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेडिंग लगाते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इस संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया या इसी को अंग्रेजी में सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अभिक्रिया कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रहा आपका डिफिनेशन। अब हम इसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेकिन पुनः एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया या उसी को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया या अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि मैग्नीशियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो इसके भौतिक अवस्था को स्मॉल एस से अंडर ब्रैकेट स्मॉल एस से सूचित कराएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो हमने गर्म करने के लिए यहां हीट का सिंबल दे दिया या डेल्टा भी कह लो। जैसी गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया किया और एक उत्पाद का निर्माण किया, तो इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन होगी। अगर जनरल एग्जांपल बिल्कुल समझें, तो मान के चलिए कि ए और बी दो कोई अभिकारक हैं, दोनों रिएक्शन किए तो ए भी एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करती है। तो दो अभिकारक मिले, एक उत्पाद का निर्माण हुआ, तो संयोजन अभिक्रिया होगा। अब इसके बाद अगर मान के चलिए आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों का आपने रिएक्शन कराया। जैसे आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के बाद ये आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक है, 200 एटीएम प्रेशर है, दाब है और लगभग 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे रिएक्शन होता है अमोनिया नामक गैस का निर्माण होता है। नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस।
आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब और 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी ताप पर अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। दो अभिकारक मिले, एक उत्पाद का निर्माण हुआ, तो इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास मान के चलिए हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है, दोनों गैस हैं, क्या है, गैस है, रिएक्शन किया, HCl एक गैस का निर्माण हुआ, तो दो अभिकारक मिले फिर एक उत्पाद का निर्माण हुआ, तो इस तरीके से ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों का रिएक्शन हुआ, कार्बन ठोस क्योंकि ये कोयला होता है और फिर ये गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, दो अभिकारक मिले एक उत्पाद का निर्माण हुआ, तो फिर संयोजन अभिक्रिया। मतलब कि अगर दो अभिकारक आपस में मिले और एक उत्पाद बने तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है कि तत्व और तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब जरा देखिए, अंग्रेजी लिखें तो कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट। अब जरा देखें, डिफिनेशन पूछे तो कहिएगा, ऐसे तो डिफिनेशन पूछेगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में टाइप्स पढ़ना नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। डिफिनेशन कहता है कि वैसा संयोजन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करे उसे तत्व और तत्व के बीच का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, तो ऐसे, कैसे जरा देखिएगा, यह हाइड्रोजन एक तत्व है, फिर ऑक्सीजन एक तत्व है और फिर ये H2O एक उत्पाद है, तो ये तत्व, ये तत्व, मतलब ये दोनों अभिकारक क्या होने चाहिए, ये दोनों अभिकारक जो होने चाहिए ये तत्व होने चाहिए, यौगिक या अणु, मतलब ये तत्व का अणु है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के मॉलिक्यूल, मतलब अलग अलग तत्व के अणु नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तत्व है, दोनों को हमने लिखा और दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया, फिर एक उत्पाद बना, तो इसलिए यह तत्व और तत्व के बीच की रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरीके से अगर H2 और फिर Cl2 की रिएक्शन कराएं, फिर HCl बनेगा, तो मतलब एक उत्पाद बना, तो यह भी तत्व और तत्व के बीच की अभिक्रिया हुई। इसी तरीके से अगर P2O3 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन अगर लिखें और फिर P2O5 बना दें, तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। और कैसा, तत्व और तत्व के बीच संयोजन तो होगा लेकिन तत्व और तत्व के बीच नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड ये एक अणु या यौगिक है। हमारी बात किसकी हो रही है, तत्व और तत्व के बीच। तो इसी तरीके से अगर हम फॉस्फोरस केवल रख दें, यहां फॉस्फोरस रख दें, तो भी ये P2O5 ही देता है, तो ये फास्फोरस भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो ये भी एक तत्व और तत्व के बीच अभिक्रिया होगी। अभी हमने N2 और H2 का रिएक्शन लिखा था, तो NH3 एक अमोनिया गैस है, इसका निर्माण हुआ, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों तत्व हैं, दोनों तत्व हैं, तो इसलिए जो प्रोडक्ट बना, अमोनिया बना, तो यह तत्व और तत्व के बीच की एक संयोजन अभिक्रिया है। मतलब कि ये सब के सब संयोजन अभिक्रिया हैं, यानी सिंथेसिस यानी संश्लेषण अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया हैं, लेकिन ये तत्व और तत्व के बीच की संयोजन अभिक्रिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके आगे हम तत्व और यौगिक के बीच, तत्व और यौगिक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। ये अंग्रेजी केवल चेंज हो जाएगा, क्या, एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब कि तत्व और एलिमेंट और कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जरा देखिएगा, इसको हम जरा मिटा देते हैं, तो डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, अब आप बोल सकते हैं कैसे, देखिएगा, वैसा संयोजन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व और एक यौगिक दोनों आपस में अभिक्रिया करके
एक उत्पाद का निर्माण करे उसे तत्व और यौगिक के बीच का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिएगा। P2O3 अभी हमने लिखा था, फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को, दोनों को अगर मिक्स करते हैं, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था आप अपने से लिखेगा, तो दोनों को जैसे ही गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जब फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करता है तो ये एक यौगिक है, या इसको अणु भी कह सकते हैं, और ये एक तत्व है। तो अणु यानी यौगिक और तत्व के बीच की अभिक्रिया हुई, तो ये अणु या यौगिक और तत्व के बीच की संयोजन अभिक्रिया हुई। इसी तरीके से अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और फिर आपके पास ऑक्सीजन है, दोनों को गर्म किया, गर्म करने के बाद थोड़ा सा गर्म करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अणु या यौगिक हुआ, ऑक्सीजन एक तत्व हुआ, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद हुआ। तो इस अभिक्रिया में एक यौगिक एक तत्व दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, फिर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, यह तत्व और यौगिक के बीच की संयोजन अभिक्रिया हुई। इसी तरीके से अगर हम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन ले लें, तो पोटेशियम क्लोराइड एक यौगिक है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तो पोटेशियम क्लोरेट का निर्माण होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट का जब निर्माण होगा तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन यौगिक और तत्व के बीच की संयोजन अभिक्रिया है, तो इसलिए इसे हम लोग तत्व और यौगिक के बीच का संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला आपका प्रकार है यौगिक और यौगिक के बीच की अभिक्रिया, यौगिक और यौगिक के बीच की अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड। डिफिनेशन लिखे तो कहेंगे कि वैसा संयोजन अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे यौगिक और यौगिक के बीच का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड हो और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये अणु या इसको यौगिक या यौगिक कह सकते हैं, दोनों अभिक्रिया करता है और फिर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। दो अभिकारक, एक यौगिक और दूसरा भी यौगिक, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों अभिक्रिया किए, कैल्शियम कार्बोनेट एक उत्पाद का निर्माण किए, तो ये यौगिक और यौगिक के बीच का संयोजन अभिक्रिया हुआ। इसी तरीके से अगर आपके पास अमोनिया है और फिर HCl, अमोनिया गैस, ये यौगिक या अणु, ये भी यौगिक या अणु, दोनों आपस में अभिक्रिया किए और फिर अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नौशादर भी कहते हैं, और ये एक ऊर्ध्वपातित लवण होता है। तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड बनता है तो ये दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे हैं, और ये दोनों अभिकारक क्या है, यौगिक है, और यौगिक मिलकर के फिर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए यह यौगिक और यौगिक के बीच की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हो गए आपके टाइप, मतलब आपका टाइप कितना था, तीन, एक तत्व और तत्व के बीच अभिक्रिया, एक तत्व और यौगिक के बीच की अभिक्रिया, और एक यौगिक और यौगिक के बीच की अभिक्रिया। अब हम एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके साथ कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग लेते हैं, एक उत्पाद का निर्माण होता है, या डिफिनेशन से समझ गए हैं। तो अब एग्जांपल में देखिए कि भाई एक उत्पाद का निर्माण किसमें हो रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, दूसरे को देखते हैं तो दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तीसरे को देखते हैं एक, फिर चौथे को एक, और फिर देखते हैं भाई तो कौन होगा कौन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दो अभिकारक मिल रहे हैं, एक उत्पाद बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा।
दूसरा देखते हैं, ये दो अभिकारक हैं, दो उत्पाद हैं, तो ये नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, दो अभिकारक है, एक उत्पाद है, संयोजन होगा। दो अभिकारक एक उत्पाद, संयोजन। यानी आपका आंसर जो होगा ये ए कॉमा सी एंड डी। ये तीन अभिक्रिया जो हैं ये आपके संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, इसलिए ये ए सी और डी तीन ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कह रहा है कैसी अभिक्रिया है। ऑप्शन आपसे पूछे उष्माक्षेपी, बी ऑप्शन आपसे कहे संश्लेषण, सी आपसे कहे संयोजन और डी कहे सभी। तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में तो आप जरूर बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। लेकिन यहां हम अब चेकआउट कर लेते हैं क्या होगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता ही है, ज्यादा मात्रा में उष्मा का भी निर्माण होता है। तो यहां हम प्लस उष्मा लिख देते, एनसीईआरटी लिखता नहीं है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण होता है उसको उष्माक्षेपी भी कहते हैं, तो उष्माक्षेपी भी होगा। चलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया का हम एक अलग से वीडियो आपको बना के दे देंगे। अब देखिएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें दो अभिकारक एक उत्पाद, तो संयोजन, और संयोजन संश्लेषण भी कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन भी सही है। अब सी डायरेक्ट संयोजन आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद डी सभी, तो इसलिए आपका डी जो है ये सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन है आपका पहला NH3HCl अमोनियम क्लोराइड, तो नहीं है इसका मतलब क्या है कि दो अभिकारक मिल करके और फिर एक उत्पाद का निर्माण नहीं करें, मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं भाई, दो अभिकारक के एक उत्पाद है तो संयोजन होगा। तो जब संयोजन होगा और आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संयोजन है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन FeSO4, फेरस सल्फेट को गर्म किया, आयरन ऑक्साइड बना, यानी फेरस ऑक्साइड बना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो संयोजन अभिक्रिया में तो भाई दो उत्पाद बनते हैं, है ना मेरे भाई। संयोजन अभिक्रिया में केवल एक उत्पाद का ही निर्माण होता है, इसमें देख रहे हैं भाई तीन उत्पाद का निर्माण होता है, इसका मतलब ये नहीं है। तो नहीं है के हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही है। इसके आगे भी देख लेते हैं जरा, CaCO3 गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, आपके पास प्रोडक्ट उत्पाद कितने होने चाहिए, सिंगल, इसमें कितने, दो, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके बाद H2S और फिर O2, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये ऑक्सीजन, दोनों को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड, फिर जल का निर्माण हो रहा है, फिर संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद चाहिए, यहां दो बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा बी सी एंड डी, ये तीन ऑप्शन आपके सही होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिनको संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।